और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, रायपुर से आ रही है, जहां मल्टीप्लेक्स खोलने की अनुमति सरकार ने दे दी है। राज्य शासन ने सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए हैं। कोरोना के चलते अभी तक छत्तीसगढ़ के सारे मल्टीप्लेक्स बंद थे, जिन्हें खोलने की अनुमति दे दी गई है। राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ के तमाम जिला कलेक्टरों को आदेश जारी कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ में मल्टीप्लेक्स खोलने की अनुमति दे दी गई है। राज्य शासन ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दे दिए हैं। कोरोना के चलते अभी तक ये तमाम मल्टीप्लेक्स बंद थे और इसके बाद अब ये छत्तीसगढ़ सरकार ने ये फैसला लिया है। जैसे जैसे कोरोना का रिकवरी रेट बढ़ता जा रहा है और संख्या कम होती जा रही है कोरोना संक्रमित मरीजों की, उसके बाद से धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियां भी अब पूरे देश में शुरू हो गई हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार ने भी ये फैसला लिया है मल्टीप्लेक्स खोलने का। तो जल्द ही पूरे छत्तीसगढ़ में मल्टीप्लेक्स खोल दिए जाएंगे, जिला कलेक्टरों को आदेश दे दिए गए हैं। कोरोना के चलते अभी तक पूरे छत्तीसगढ़ में जो तमाम मल्टीप्लेक्स हैं वो बंद थे। तो छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां सरकार ने राज्य के तमाम मल्टीप्लेक्स को खोलने का फैसला कर लिया है, जिला कलेक्टरों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। कोरोना काल में ये तमाम मल्टीप्लेक्स अभी तक बंद थे, अब छत्तीसगढ़ में भी धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियों को शुरू किया जा रहा है, जोर पकड़ रही हैं आर्थिक गतिविधियाँ। बाजार और दुकानें तो पहले ही खुल चुके हैं, अब मल्टीप्लेक्स जो लंबे समय से बंद थे कोरोना काल की वजह से, उन्हें खोलने की भी अनुमति दे दी गई है। तमाम जिला कलेक्टरों को आदेश दे दिए गए हैं। अब जल्द ही छत्तीसगढ़ के तमाम मल्टीप्लेक्स खुल जाएंगे। जाहिर सी बात है कि छत्तीसगढ़ सरकार के इस फैसले के बाद मल्टीप्लेक्स संचालकों को राहत मिली है। छत्तीसगढ़ में मल्टीप्लेक्स खोलने की अनुमति दे दी है सरकार ने। कोरोना काल में अभी तक तमाम मल्टीप्लेक्स बंद थे, जिसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने यह फैसला लिया और सभी कलेक्टरों को आदेश दे दिए गए हैं। तो राज्य शासन ने इस खबर पर हम सीधे चलेंगे रायपुर, जहां हमारी संवाददाता निधि प्रसाद हमसे जुड़ेंगी। निधि, ये मल्टीप्लेक्स खोलने का जो फैसला सरकार ने किया है, जाहिर सी बात है कि कोरोना काल में लंबे समय से जो है आर्थिक गतिविधियां बंद थी पूरे देश में, धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियां शुरू हुई और उसी कड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार ने ये फैसला लिया है, छत्तीसगढ़ के तमाम मल्टीप्लेक्स को खोलने की अनुमति दे दी है। तो जो मल्टीप्लेक्स संचालक हैं, जाहिर सी बात है उनमें खुशी का माहौल होगा। क्या कुछ उनका कहना है और किस तरह के इंतज़ाम अब मल्टीप्लेक्स खुलने के बाद वहाँ पर आने वाले दर्शकों के लिए, जो लोग वहाँ पर मल्टीप्लेक्स में आएंगे उनके लिए क्या एहतियात बरतने की इंतज़ाम वहाँ पर मल्टीप्लेक्स में किए गए हैं, और मल्टीप्लेक्स संचालकों का अब सरकार के इस फैसले पर क्या कहना है? जो बिल्कुल अविनाश, बताना चाहेंगे आपको कि लगातार अगर हम बात करें तो कोरोना का काल जिस तरह से छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा था, उसके मद्देनजर अगर हम बात करें रेस्टोरेंट दुकानें सारी चीजों को बंद किया गया था, पर अब धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अनलॉक 5 इस वक्त चल रहा है और जैसे धीरे धीरे दुकानें रेस्टोरेंट सारी चीजों को खोले जाने की इजाजत छत्तीसगढ़ सरकार ने दी है और आदेश दिया है, तो आज ही एक नया आदेश जारी किया गया है कि अब जो मल्टीप्लेक्स है उन्हें भी खोला जाएगा। इस वक्त हम यहाँ राजधानी के ही एक नजदीकी मॉल में मौजूद हैं, जहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से
दे दिया गया है, लेकिन फिलहाल अभी भी यहाँ पर कोई भीड़ की स्थिति नहीं है क्योंकि आज ही आदेश जारी हुआ है। इसकी जो तैयारियां हैं वो धीरे धीरे अब चालू हो गई हैं, या फिर हम बात करें कि जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है इसमें सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, इसका पूरा पूरा मल्टीप्लेक्स में ख्याल रखा जाएगा। एहतियातन तौर पर अगर हम बात करें तो कोरोना अभी भी हमारे बीच से नहीं गया है, और इसे देखते हुए मल्टीप्लेक्स में लगातार जो तैयारियां हैं वो अब शुरू हो गई हैं। अभी फिलहाल ये खाली है क्योंकि आदेश जो है वो आज ही छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी किया है कि अब मल्टीप्लेक्स भी खोले जाएंगे, लेकिन जो तैयारियां हैं वो अब धीरे धीरे हमें देखने को मिल रही है। कोरोना काल जिस तरह से चल रहा था इसमें ऐसी सारी जगह जहां सार्वजनिक तौर पर भीड़ की स्थिति पैदा होती है उन सारी जगहों पर, उन सभी जगहों को प्रतिबंधित कर दिया गया था क्योंकि भीड़ की स्थिति बढ़ेगी तो सोशल डिस्टेंसिंग का अगर उल्लंघन होता है तो ऐसे में बहुत ज्यादा जो संक्रमण का खतरा है वो हमें देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल अभी इस वक्त हम मल्टीप्लेक्स के सामने ही मौजूद हैं और अब धीरे धीरे मल्टीप्लेक्स को वापस से शुरू करने की जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी हैं। आज ही छत्तीसगढ़ सरकार ने ये आदेश जारी कर दिया है कि अब मल्टीप्लेक्स का जो संचालन है वो किया जा सकता है। तो अब इतने दिनों से ये मल्टीप्लेक्स बंद पड़े थे तो जाहिर सी बात है एकदम से बिल्कुल निधि यानी मल्टीप्लेक्स में भी जो है अब सिनेमा की अगर हम बात करें इस तरह की और क्या सिनेमा अब लगेंगे और इसके बाद जनता का कैसे आना शुरू होगा, सोशल डिस्टेंसिंग किस तरह से एहतियातन तौर पर बरती जाएगी, ये सारी चीजें अब देखने वाली बात है। चलिए बिल्कुल अब मल्टीप्लेक्स में भी रौनक बढ़ने वाली है। छत्तीसगढ़ सरकार ने आज ये आदेश जारी किए हैं, धीरे धीरे अब जो है तमाम चीज़ें पटरी पर आना शुरू हो गई हैं और जाहिर सी बात है छत्तीसगढ़ सरकार के इस फैसले के बाद मल्टीप्लेक्स संचालकों में खुशी का माहौल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया निधि इस तमाम जानकारी के लिए।